लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आ जाओ, चलो चलो जल्दी जल्दी संभाल के जवाहर भाई, संभाल के चलिए जल्दी। ये क्या कर रहे हैं चाचू? खुदा के घर में अदब और तहजीब के मायने। अरे इससे अच्छा तो ये है कि हम पुलिस वाले को बता दें कि हम अंदर छिपे। चलिए अंदर, चल चल जल्दी जल्दी चल। अफजल जवाहर भाई को सिर्फ कोने में लेटा दे। नौशाद तू मेरे साथ चल। कौन हो भाई? जाके कौन? मौलवी हमें पनाह चाहिए। खुदा के घर में पनाह लेने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, इन्हें बाहर रख दो। हमें छिपने के लिए जगह चाहिए, साथ में खाने पीने का कुछ सामान, और हमारे आदमियों को यह खबर पहुंचानी है कि हम यहाँ छिपे हैं। ये मस्जिद है, सराय नहीं। इस वक्त हमें जिंदा रहना है मौलवी, और साथ में आजाद भी, और किसी बात की हमें फिक्र नहीं। अब क्या करेंगे भाईजान? अगर पुलिस मस्जिद की हद तक पहुंची तो हम गोली चला देंगे। खबरदार, ये पाक परवरदिगार की पाक जगह है, यहाँ खून खराबा नहीं होगा। हमारा मकसद भी उतना ही पाक है मौलवी। जवान भाई चल, उस तरफ जाओ जल्दी। चलाओ गोली। या खुदाया, इन्होंने तेरे घर को भी नहीं छोड़ा। हेलो हेलो सर, हबीबुल्लाह के लोग मिल गए सर। कहाँ है? वो घिनौने लोग बिरानी मौलवी की मस्जिद में छुपे हुए हैं सर। अगर आप इजाजत दें तो हम उन्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। नहीं मुश्ताक, कोई गोली नहीं चलाएगा, एंड दैट्स एन ऑर्डर। लेकिन सर वो हरामजादे हमारी पहुंच में अगर हम चाहें तो? नहीं मुश्ताक, उनका एक कतरा खून उस पाक जगह को नापाक कर देगा। ना गोली चलेगी और ना कोई आगे बढ़ेगा, हम उन्हें थका कर बाहर निकालेंगे। ये इंसाफ नहीं है सर, वो हथियार लेके मस्जिद में छुपे हुए हैं जो मजहब इस्लाम के खिलाफ है। वो मुसलमान होकर इतनी गरीबी हरकत कर रहे हैं और आप उनसे ज्यादा मुसलमानियत निभा रहे हैं। मुश्ताक, ये हिंदू या मुसलमान की बात नहीं है, हमारा फर्ज है हर मजहब की इज्जत करना, उनकी हिफाजत करना, और हमारे होते हुए कोई भी इबादत की जगह को नापाक नहीं कर सकता। You wait there. देखा, अरे कितने अकलमंद निकले हमारे शेर, मस्जिद में जाकर छिपे हैं, मस्जिद में। अकू जी भाई, जाकर वो बीबीसी सीएनएन और बाकी के फिरंगी टीवी और न्यूज़पेपर वालों से कहो कि हबीबुल्लाह ने बुलाया है, शो का वक्त शुरू हो गया। शाबाश। क्या चाल चली है भाईजान? अब वो अजय ठाकुर भी वहां घुसने की हिम्मत नहीं करेगा, डर गया ना हरामजादा। मुन्ना, दुश्मन से नफरत करो मगर उसे समझो भी। जानते हो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? अजय ठाकुर की शराफत। वो हिम्मत नहीं, अदर करेगा। लेकिन भाईजान उसे वहां से बाहर कैसे निकालेंगे? वो डीआईजी वहां खुद पहरे पर है। उन्हें हम नहीं निकालेंगे, उन्हें वो डीआईजी खुद जाने देगा, तुम देखना। वाह साथियों वाह, लगता है दुनिया के सारे प्रेस वाले यहां जमा है, हम सब मशहूर हो गए हैं। पूरा जब बाहर की हालत पल पल बिगड़ती जा रही है, इसे जाने दो। नहीं, इतने दूर आने के बाद हम में से कोई गिरफ्तार नहीं हो सकता। अपनों की जान के दुश्मन ना बनो नूरा, वो लोग जब्बार की जान बचा सकते हैं, यहाँ सिर्फ मौत है। वो मौत नहीं शहादत कहलाएगी चाचू, इतने सारे लोगों के सामने जब्बार की मौत हमारे लिए, हमारा मकसद, हमारे जोश की एक सनसनीखेज मिसाल बन जाएगी। लानत है तुम्हारे जैसे इंसानों पर।
जो किसी के जनाजे पर अपनी बरकत देखते हैं। ना समझ इंसान, इंसानियत को मत भूल। अबे हट बुड्ढे, समझता नहीं है तू? कहाँ जा रहे हो चाचू? हट जा नूरा। कसम परवरदिगार के चाचू, अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं जब्बार को दवाइयों की जरूरत। जब्बार को कुछ नहीं होगा। बातों से जख्म नहीं भरते। बैठ, बैठ, जा, जब्बार के लिए दवाई लेकर आ। जा। वो देखिए कोई बाहर आ रहा है, देखिए जल्दी। डीआईजी साहब को बुलाओ। एक जख्मी है वहां मस्जिद में। हाँ मस्जिद में, दवा चाहिए। अब उन्हें हमारे हवाले करवा दीजिए। ये मुमकिन नहीं है साहब, दवा मुझे दे दो। मौलवी साहब, आप यहां इंसानियत जताने आए हैं या अपनी तस्वीर खिंचवाने? दवा। आप चाहें तो अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां एक जख्मी है और एक टूटा हुआ इंसान, उन्हें मेरी जरूरत है, दवा दे दो। हमारा इंसानियत का जज्बा ही हमारी मजबूरी है और उनकी ताकत। कुछ करता हूं। अल्लाह को तुम पर नाज होगा बेटे। अंदर एक जख्मी है, मौलवी साहब के हाथ में दवाइयां भिजवा दो। इन लोगों के लिए? हाँ इन लोगों के लिए मुश्ताक, जस्ट डू इट। और सर अभी मैसेज आया कि मंत्री जी होटल पहुंच चुके हैं। ओह, हबीबुल्ला भी यही चाहता है। मैं अखबार लेकर आती हूं। आदमी तो काम के हो पर थोड़ा सा डरते हो। यहां से 6 किलोमीटर दूर एक जगह है सीतापुर, इस लड़की को लेकर वहां पहुंचो, तुम्हारा काम खत्म। रोहित देखो, आतंकवादी मस्जिद में जाकर छुपे हैं। देखो में हमारे खिलाफ लिखने की सजा भुगत रहा है, अगर उसकी रिहाई चाहता है तो तुझे हमारे लिए काम करना होगा।
जाओ। पीछा करो। कौन है ये लोग? रोहित, कौन है ये लोग? कौन है ये? मुन्ना, सोनगर, खुदा आप सोनगर। अरे कितनी बार समझाया है कि प्रेस वालों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करते, हमें इनकी जरूरत है। छोड़ो 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 से चलो। कहिए मोहतरमा, कैसा रहा यहां तक का सफर? कुछ बोलेंगे नहीं? अच्छा अच्छा, अपने प्यारे भाई का इंतजार है शायद। अब आप हमारे पास हैं तो वो तो घुटनों के बल चलकर आएंगे यहाँ। कौन सी नई बात है हबीबुल्ला? भैया तक पहुँचने के लिए तुमने हमेशा औरतों का सहारा लिया है ना? मुन्ना, लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ अकलमंद भी है और अपने भाई की कमजोरी भी। अजय ठाकुर इसे कोना नहीं चाहेगा। सुन लड़की, यह हमारा इलाका है, अगर बकवास की ना तो जान से जाएगी। हाँ, तुझमें इतनी हिम्मत नहीं है हबीबुल्ला। अगर भैया की कमजोरी को मिटाएगा ना तो उनकी दहशत से ही मर जाएगा। पूजा को हाथ मत लगाना हबीबुल्ला। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या मजाक है? तुमने अपने ही आदमी को पकड़ रखा है। छोड़ो छोड़ो इसे चलो। ये तो इसे लेकर भागने की फिराक में था भाईजान।
तुम जवानी के गर्म खून को नहीं समझते मुन्ना। अरे ये तो इन मोहतरमा की नजर में आशिक बनने का एक ढोंग था, वरना ये हम तक कैसे पहुंचते। इन्हें यहां तक लाने में हमारी बड़ी मदद की है इसने, है ना रोहित? अभी बुल्ला, पूजा को जाने दो। देखा, नाटक अभी तक बरकरार है। चल चलो। तुम्हारे हर कदम पर हमारे आदमियों की नजर थी। तुम्हारे साथ जो भी सुलूक रोहित ने किया है, हमारे कहने पर किया है। पिछले 2 सालों से ये हमारा सबसे अच्छा खुफिया एजेंट है, और ये काम इसे पसंद भी है। ये झूठ है। अगर मेरे पिताजी तुम्हारे पास में नहीं होते तो। भाईजान, भाईजान, क्यों ना इसकी महबूबा को इसकी असलियत बता दें। जिसे तुम रोहित समझती हो ना, वो भाईजान का बेटा है। हाथ मत लगाना, पूजा को। प्यारे बेटे रोहित, भूल जाओ उसे। दुश्मन से मोहब्बत करना तो जायज नहीं। पहचाना पिताजी? पिताजी, आज तक जो कैसेट पर तुम आवाज सुनते रहे ना रोहित, वो आवाज मेरी थी। और रही बात तुम्हारे पिताजी की, तो उसे तो मैंने उसी दिन मार दिया था जिस दिन उसने कैसेट पे तुम्हें पैगाम भेजने से इनकार कर दिया था। मार दिया था साले को। अरे बल्ला!